मेरे फ्रेंड का शादी का फोटो था जो बहुत मेहनत से वो शूट करके अपने मोबाइल में रखा था और उसका जो फोटो है डिलीट हो गया। तो वो हमसे पूछा कि हम बहुत मेहनत से शादी का फोटो था वो डिलीट हो गया है और मैं बहुत मेहनत से उसको शूट किया था, उसको हम कैसे वापस लाए। तो मैं सोचा उस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूँ जिससे मेरे फ्रेंड है और जो भी मेरे व्यूअर्स है अगर उसके मोबाइल से शादी का फोटो या कोई भी ऑडियो वीडियो और इमेज है अगर उसके मोबाइल से डिलीट हो जाता है उड़ जाता है तो वो उसको कैसे रिकवरी करेंगे, मतलब उसको वापस कैसे लाएंगे। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीका का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कौन सा वो एप्लीकेशन है जिससे हम अपने शादी का फोटो या ऑडियो वीडियो या इमेज हो या कोई भी ऐसी कोई डॉक्यूमेंट हो अगर आपके मोबाइल से वो डिलीट हो जाता है उड़ जाता है तो मैं आपको ऐसा ही एक एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिससे आप 5 साल तक का अपने मोबाइल से ऑडियो वीडियो और इमेज जो डिलीट हो जाता है उड़ जाता है उसको आप कैसे अपने मोबाइल में रिकवरी करेंगे, मतलब उसको कैसे वापस लाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए तभी आपको समझ पाइएगा कि कैसे हम अपने ऑडियो वीडियो और इमेज को वापस लाएंगे और अपने मोबाइल में उसको कैसे रिकवरी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके मोबाइल से फोटो ऑडियो और वीडियो डिलीट हो चुका है उड़ चुका है 2 महीने 6 महीने साल भर 2 साल 4 साल 5 साल तक का तो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपना फ़ोटो ऑडियो और वीडियो को बहुत ही आसानी से उसको रिकवरी कर सकते हैं, मतलब वापस ला सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट इस पेज पर ओपन हो सकते हैं। तो आपको प्ले स्टोर में डिग डिप टाइपिंग करना है, आपके सामने में यहाँ इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं पहले से कर रखा हूँ तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको जो है ये 10 मिलियन प्लस में डाउनलोड हुआ है तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया और कितना अच्छा ये एप्लीकेशन होगा। इसका रेटिंग भी देख रहे हैं 4.2 का है। तो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप 5 साल तक के कोई भी ऑडियो और वीडियो इमेज को आप वापस ला सकते हैं, इसको रिकवरी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ देखिए कि डिग्री जो है आपके जो मोबाइल से जो भी आपके मोबाइल है उससे आपका जो फोटो ऑडियो और वीडियो डिलीट हुआ है उसको यहाँ रिकवरी कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मेरा जो है इस मोबाइल से फोटो और वीडियो और ये जो डिलीट हो चुका है उसको यहाँ पर रिकवरी कर रहा है। तो आपका कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो और उससे अगर आपका फ़ोटो और ऑडियो वीडियो भी डिलीट हो जाता है तो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से उसको बहुत ही आसानी से उसको रिकवरी कर सकते हैं। चाहे आपका फोटो जो उड़ा हुआ हो डिलीट हुआ हो 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल 5 साल तक के आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपना फोटो ऑटो और वीडियो को रिकवरी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर रिकवरी कर रहा है। जैसे ये रिकवरी कर लेता है तो मैं दिखाता हूँ कि जो भी मेरा उड़ा हुआ था वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाता है। आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप बैक चल जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि ये जो मेरा फ़ोटो है वो लगभग साल भर 6 महीने का यहाँ पर डिलीट हुआ है। ये फ़ोटो जो मेरा है मैं इस फ़ोटो को लगभग जो एप्पल का जो रख रखा हूँ मैं उसको मैं लगभग 6 महीने पहले इसको डिलीट किया था और यहाँ जो ये फ़ोटो सब जो है उसको मैं लगभग साल भर पहले डिलीट किया था वो सारे के सारे यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे मेरा आ चुका है। तो ये यहाँ पे सारे के सारे आपका फ़ोटो आ जाता है, जो भी आप डिलीट किए रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपका आ जाता है। यहाँ पर देखिए जो मैं ये फ़ोटो सब जो है इसको लगभग 9 महीने साल भर पहले इसको डिलीट किया था तो वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुका है। जिसको भी आपको रिकवरी करना है मतलब वापस लाना है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं हमको इसको वापस लाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही कुछ ऐड आ जाएगा, आपको इसको ऐड को हटा देना है। अगर आपको कुछ ऐड आ जाएगा तो इस तरीके से आपको ऐड को हटा देना है। अगर जो भी फ़ोटो को आपको रिकवरी करना है वापस लाना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमको ये इसको वापस लेना है इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी फ़ोटो को वापस लाना है इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ढेर सारा जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ से बैक आता हूँ और यहाँ पर देखिए हम कुछ ऐड आ जाता है, आपको ऐड को रिमूव करके हटा देना है।
अगर आपके सामने में कुछ इस तरीके से ऐड आ जाएगा तो आपको ऐड को रिमूव करके हटा देना। यहाँ पर देखिए ढेर सारा जो मेरा जो डिलीट हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुका है। चलिए हमको कुछ रिकवरी करना तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमको इसको रिकवरी करना है तो इसको क्लिक करेंगे, हमको ये फाइल जो पिक्चर सब है इसको हमको रिकवरी करना वापस लाना है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमको इसको लाना है तो इसको पर क्लिक करेंगे, जिसको भी आपको लाना है उसको क्लिक कर देंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको वापस लाना है, इसको वापस लाना इस तरीके से हमको सेलेक्ट कर लेना, जिसको भी आपको वापस लाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इसको हमको लाना है वापस, यहाँ पे आपको ढेर सारा पिक्चर मिल जाता है इस तरीके से। तो जिसको भी वापस लेना है सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रीस्टोर और बैक का ऑप्शन मिल जाता है। बैक जाने के बाद अगर आप चाहते हैं और पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए तो आप यहाँ पर और पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको इतनी पिक्चर को लाना है तो यहाँ पर रीस्टोर वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि बोला जा रहा है कि और सेलेक्टेड फाइल हैव बीन रीस्टोर, मतलब आप जो भी फाइल सेलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पर रिकवरी करेगा। और वो फाइल कहाँ जाएगा तो यहाँ देख रहे हैं स्टोर पिक्चर नाम से जो है ये फोल्डर बनेगा आपके चिप में, मतलब आपके गैलरी में जाके ये सेव होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखने के लिए चेक वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये जो आपका फोल्डर पे यहाँ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद ये जो है नीचे फोल्डर बनेगा। यहाँ पर देखिए न्यू करके जो है यहाँ पर बना हुआ है और ये स्टोर पिक्चर करके है। तो मैं यहाँ पर 10 पिक्चर सेलेक्ट किया था, वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुका है। इसको आपको इस तरीके से ओपन करना। यहाँ पर इस तरीके से आप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा सारे के सारे ये पिक्चर जो आप जो डिलीट किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी पिक्चर को देखना है इस तरह बड़ा करके आप देख सकते हैं। देखिए मैं पिक्चर सबको डिलीट किया था बहुत पहले, जो लगभग साल भर 6 महीने पहले इसको डिलीट किया था, वो सारे के सारे यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से कोई भी आपका फोटो हो, ऑडियो, वीडियो हो, उसको बहुत ही आसानी से आप रिकवरी कर सकते हैं। चाहे आपका 1 महीना हो, 6 महीना हो, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक के पिक्चर को आप बहुत ही आसानी से उसको रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो गाइस इसी तरीके से आप अपने स्मार्टफोन से, चाहे आपका कोई भी स्मार्टफोन हो उसे डिलीट हुआ हो, तो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप उसको वापस ला सकते हैं। सो गाइस यही वो एप्लीकेशन है जिससे आपके मोबाइल से ऑडियो, वीडियो और इमेज जो है जो उड़ गया है, डिलीट हो गया है, अगर 5 साल पुराना भी है तो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से उसको रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।